हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आईबीए और यूएफबीयू की मीटिंग फेल हो चुकी है और यूएफबीयू ने आईबीए के ऑफर को ठुकरा के स्ट्राइक के लिए कंटिन्यू किया है। अब एक और न्यूज़ आ रही है यूएफबीयू की तरफ से। पहले तो आईबीए और यूएफबीयू की मीटिंग में आईबीए ने सिर्फ 13% का ही ऑफर दिया था, जिसे कि यूएफबीयू ने डिक्लाइन कर दिया था। और उसके बाद आईबीए ने यूएफबीयू को दोबारा मीटिंग के लिए शाम को बुलाया था और उस मीटिंग में आईबीए ने 15% तक अपने ऑफर को इनक्रीज़ कर दिया था, लेकिन फिर भी यूएफबीयू ने आईबीए के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आईबीए के साथ जो लोड फैक्टर को लेके और अदर इश्यूज़ जैसे कि 5 डेज बैंकिंग और बेसिक में स्पेशल पे के मर्जर, इन इश्यूज़ को लेके सहमति नहीं बन पाई थी और इसी के कारण यूएफबीयू ने स्ट्राइक का फैसला लिया है। तो फ्रेंड्स, अब आईबीए ने अपने ऑफर को 15% तक तो इंक्रीज़ कर दिया है और फिर भी बैंकर्स की स्ट्राइक हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आईबीए अपने ऑफर को 15% से भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बैंकर्स भी अपनी सैलरी को एड पर सीपीसी चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी के इश्यूज़ हैं जैसे कि 5 डेज बैंकिंग, बेसिक में स्पेशल पे के मर्जर, पेंशन के इश्यूज़ और जो लोड फैक्टर का इश्यूज है, उसे भी आईबीए रिजॉल्व करने में यूएफबीयू के साथ खड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।